चल रही है, अब मजा आएगा, कैसे चलेगा, है ना?
लगा दी। हवा को बांध लो तुम लोग, हवा को अच्छे से बांध। इधर आ, इधर आ जाओ। नीचे से आता है। कुछ क्या, चलिए अब शुरुआत हो गई। गुड मॉर्निंग सर, मैं रसायन विज्ञान हूँ। मेरा जन्म मिस्र में हुआ था। मेरे पिता का नाम लेवोसिय है। मेरे वंशज इस समय पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। आज मैं जय ज्योति इंटर कॉलेज चुनार के प्रधानाचार्य जी के विशेष आग्रह पर विज्ञान प्रदर्शनी में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ कोई नहीं है, ये किसने बनाया है, बताइए क्या है। ये वाला समझाइए, सही ये वाला है ना, ही में भी इनोसेंट बायोसी नाम क्लास, इसमें जो है नाम क्लास का यूज करके एक दूसरे को जोड़ा था, जैसे कि इफ ही में भी इनोसेंट आई डोंट नो, वह जो है कि निर्दोष हो सकता है पर मैं नहीं जानता। अब इसकी अगर कंबाइंड जो है आई डोंट नो इफ ही इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता कि वो इनोसेंट है या नहीं है। अच्छा, अगर इसको बोले यहाँ पे इनोसेंट की जगह क्लेवर, आई डोंट नो इफ ही इज क्लेवर, नहीं वो क्लेवर है एंड आई नो, आई नो दैट ही इज क्लेवर, क्या बनेगा सर, ही मे बी क्लेवर, आई नो इफ ही इज क्लेवर। चलो हाँ बेटे, आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बनाया है? का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया था, जिसे की वो अपनी लक्ष्य को अंदर रख लेते रखा, उन्होंने ताकि वो अपने भोजन
प्राप्त करने के लिए एक टीचर ने समझाया कि एक तो अंग्रेजी से डरना नहीं है, ठीक है, और अंग्रेजी से क्यों नहीं डरना है, क्योंकि अगर चार आदमियों के सामने गांव में ही आप किसी को बोलो गुड मॉर्निंग बाबा तो वो भी खुश हो जाते हैं, है ना। तो इसको याद करने का तरीका है अपना कुछ भी निकाल लो, ठीक। जैसे मेरे को वो याद नहीं होता था मंडे ट्यूसडे ये वो, तो मालूम मैंने कैसे याद किया, मेरे किसी ने समझाया मुंडन। तो हम लोग यहाँ मंडे को ही मुंडन होता था तो मुंडन, फिर कंफ्यूजन हो जाता था, तो जो हमारे पंडित जी थे उनकी सिर बिल्कुल उधरती वैसा था, गंजा था, तो उससे याद कर लिया कि मुंडन वाले पंडित जी, ठीक, तो मंडे हो गया। अब ये तो मेरी अंदर की बात है ना, किसी को क्या मालूम कैसे मैंने याद किया, ठीक है ना। नहीं बना लो अपना फॉर्मूला, चलो शाबाश। क्या बनाया है, फूल है क्या है, कैसे बनाया, पहले इसको पेंसिल से बनाया कैसे किया, अच्छा ये कितने किया है आर बी और तो कितने दिन बंद किया आपने, इसको 6 से 10 बजे, अभी कितना देर हो गया, ये 12 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, तो ये कम क्यों हो रहा है, क्या एक्चुअल फंगस है, कुछ और लगाया आपने, फंगस है, कितने दिन में लगाया इसका फंगस, इसमें मैंने 5 से 6 दिन लगाया, और ये राइजोफा सिंजाइन है जिसके कारण से इसमें फंगस लगता है, ये वायु के संपर्क में आते हैं तो स्पॉटिंग बन जाती है, और यही काले और हरे रंग में स्पॉटिंग आती है, ये इसका कवर था। किसने बनाया ये, बहुत कौन है तुम लोग, हम तीसरे काम है और भी क्या है ये, इसको ये क्या क्या दिखाया है आपने, ये चक्र मतलब लगा दी, चक्र थोड़ा और आइडिया लगाना चाहिए, इसको बॉल की शक्ल में बना सकते थे, ये क्रिकेट क्रिकेट हो रहा है ना, तो यहाँ अगर इसको ही कुछ ऐसा बना देते कि ये क्रिकेट की बॉल घूम रही होती है ना, जैसे ये है यहीं पे इसको टिका के इसके ऊपर में एक्चुअल बॉल लगा देते छोटी वाली और उसमें क्रिकेट की बॉल की तरह के डिजाइन बना देते, हो जाता, हो जाता, ऐसे ही नए नए आइडिया कुछ और सोचो, जैसे ये बड़ा बढ़िया लगा है आपने मोबाइल से कर दिया लगा है लार्ज स्क्रीन में, बाउंड्री जो नेट लगी अभी जैसे ये लिखा ना हमने BSNL एयरटेल ये विज्ञापन वाला, इसमें भी कुछ और हो सकता था, जेपी ग्रुप कैसे हो सकता था, जेपी ग्रुप का भी है ये रहा ना एयरटेल वगैरह जो हमने बनाया है, अच्छा इसको और क्या हो सकता था इसमें, अरे आप ही लोग बताइए ना, ये आप लोगों ने ये नहीं नहीं ये नहीं मालूम है क्यों, क्या ये इसमें जो कुछ कमी रह गई है क्यों रह गई है, क्योंकि आप लोगों ने जल्दीबाजी करी है, क्या वो होना चाहिए, चलो शाबाश, और फिर इसे कहीं ले जाके जहाँ इसे छोड़ना होगा वहाँ पे ले जाके स्विच ऑफ कर देंगे, तो स्विच ऑफ ऊपर से करेंगे तो गिर नहीं जाएगा बेटा, नीचे ला के भी कर लेंगे, तो जल रहा है सर, बैटरी अधिक चार्ज हो गया तो आग नहीं लग जाएगी, हटा लो उसको, कुछ भी डालने पर वो उसे बड़ा प्रतिबिंब करके दिखा रहा है, ये हमने इसमें ज्यादा तीन सौ कॉलेज डाल के डाला हुआ है जो कि फिलहाल में
इसे बड़ा करके दिखा रहा है। इसे हम चाहे तो कई सारे फिगर से जा सकते हैं। इसका दैनिक जीवन प्रयोग की हमारे आपने कुछ और बनाया है? हाँ, इसे कई सारे दैनिक जीवन हमारे ये प्रयोग सिनेमा हॉल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रहा है फिलहाल में। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा ग्रीन लाइट है, यानी जो ट्रैफिक वाला है वो इसको चलाएगा। यस सर, जी जब हम इसे इसके अटैच करेंगे तो ग्रीन लाइट ऑफ कर जाएगी, फिर इसके जब अटैच करेंगे तो येलो लाइट, और इसके बाद ये हमारी रेड लाइट जाएगी। येलो लाइट कब जलाई जाती है? येलो लाइट जब क्या है, गाड़ियाँ स्टार्ट होने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होता है तब येलो, और जब जाना रहता है रेड, जब आगे बढ़ना रहता है तब हम ग्रीन यूज़ करते हैं, और जब गाड़ी को रोकना होता है स्टॉप करना होता है तो रेड। येलो लाइट क्यों होती है? कि आप तैयार हो जाइए, कि आप मतलब थोड़ी देर वेट करिए, अभी टाइम है। पहले आप ठीक बता रहे थे तैयार हो जाइए, क्योंकि जब आपने लाल बत्ती जलाई तो कुछ लोग बीच में रह जाएंगे, कुछ लोग पहुंच रहे हो। कैसे चलती है? तो इसमें हमने बोर्ड बनाया था कि सपोर्ट के लिए अगर हम इसे ऊपर करेंगे तो लिफ्ट मिस जाएगी, और अगर इसे नीचे करेंगे तो लिफ्ट ऊपर की हो जाएगी। तो इसको बोर्ड को कौन ऊंचा नीचे करेगा? हाँ बताइए, आप बताइए, आपको मालूम है? तो आप बताओ, आप बताइए। जब बोल्ट इसमें लगा है कि इसके सपोर्ट के लिए है, तो बोल्ट जैसे कि हम अगर इसको ऊपर करेंगे तो लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, और इसको फिर नीचे करेंगे तो ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। तो एक्चुअल में अगर लिफ्ट ऊपर नीचे करनी होगी तो कितना बड़ा बोल्ट चाहिए होगा? अब इसमें दो आदमी है ना, तो दो आदमी अगर इतना वजन है उससे ज़्यादा होगा कि तकरीबन उतना होगा? फिर इसको उठाएगा कौन? खेल के मैदान में कुछ है सर? खेल के मैदान में क्या? खेल के मैदान में नहीं, घर में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या देख ये सर कोड़ी संरक्षण का सिद्धांत है, अगर इसको हम अच्छे से चपा देते हैं तो ये उतना तेजी से नहीं होता है, इसको चमक रहे हैं। अब इसको ये आदमी मतलब हाथ ऐसे किया है, अगर ये आदमी हाथ अगर नीचे कर देगा, यही आदमी मतलब ये लकड़ी है इसको निकाल देने पर ये आदमी हाथ नीचे किया हुआ है, इसको इसमें लगा देते हैं, गड़बड़ हो गया है। अब देखिए ये तीव्र गति से चल रहा है, तीव्रता है, देखिए अब ये बंद हो गया, क्योंकि सर ये उड़न अच्छा है, इसकी उड़न से दूरियाँ कम है और ये जड़ता गुड़ भी इसका कम है, इस कारण तेज उड़ता है। इसके बाजू का भी कुछ? यस, ये अगर इसमें लगाते हैं ये बुढ़त तेज है, इससे घोड़ा से दुनिया अधिक है या जड़ता गुड़ भी अधिक है, इसलिए ये कम होता है। ये क्या है? अग्नि से चक यंत्र सर, इस पे आग इस सर्किट पे जब भी कहीं से भी आग की लपट पहुंचती है तो सर्किट में तो तुरंत सूचना देने लगता है घंटी और बताओ कैसा पंप है, कैसे चल रहा है? सर मोटर से चल रहा है। मोटर से चल रहा है? मोटर लगा। कितने हॉर्स पावर की लगाई? सर 4 वोल्ट की। 4 वोल्ट इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? और इसका कूलर भी बना सकते हैं छोटा सा। हाँ, और तो कहीं पानी ले जाना होगा। मम्मी की मदद नहीं कर सकते? माता जी की मदद कर सकते हैं कि नहीं? पाइप लंबा करके माता आपको इसको पार करना है, और सर बिना टच के ऊपर ये दो स्टेशन है, अगर आप पार कराएंगे तो सर ये कुछ चौक।
तो कैसे पार कराएं? ग्लास में टच किए आप, कैसे कला बताइए ना सर। इस तरह अपने हाथ को घुमाइए आराम से। इसमें साइंस के अलावा थोड़ा दिमाग भी लड़ाना है। अभी ये अभी आप इधर देखो, इसको काम कर देंगे। ये देख रहे ना, ये चढ़ाई में चढ़ रहा है ना। और अगर आप दाहिने हाथ से पकड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे खींचेगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, इसको यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, तो सपोर्ट दीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या, आप ज़्यादा नज़दीक से देखेंगे तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद लगने लगा जैसे दो है या ये हिल रहा है, तो थोड़ा फासला दूर होना चाहिए, ठीक। तो अभी दो चॉकलेट हो गई मेरी जी। जी, जी, जी। Yeah.
चॉकलेट मिली नहीं है हमें।